वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, जो ज़्यादा नेचुरल और घर में बनी रखी हुई चीज़ों से ही मैं करती हूँ। क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, जिसके लिए मैं अपनी स्किन पर ज़्यादा जो बाहर की प्रोडक्ट है वो कम यूज़ करती हूँ। मैं नेचुरल चीज़ों से ही अपने स्किन की मैं केयर करती हूँ। तो चलिए लेट्स वॉच। स्किन में पहली बात आती है क्लिनजिंग करने की। आप क्लिनजर में सिर्फ रॉ मिल्क भी ले सकते हैं, आप चाहे तो रॉ मिल्क और नमक ले सकते हैं, आप चने का आटा मतलब बेसन, हल्दी और दूध ले सकते हैं, फ्रेश खीरा आता है उसे छिलकर उसमें फ्रेश कर्ड मिलाकर वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ रॉ मिल्क और हनी का क्लिनज़र। तो चलिए देखते हैं मैं इसे कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच रॉ मिल्क ले लिया है और अब मैं इसमें 1 चम्मच ये शहद मिला लूँगी। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये क्लिनजर किसी भी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तीनों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारा जो क्लिनजर है वो रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे और कॉटन की हेल्प से अपने फेस पर लगा सकते हैं या किसी ब्रश की हेल्प से। मैं इसे सिंपल अपने हाथों से ही इसे अपने फेस पर लगाती हूँ। आप चाहे तो ककड़ी जो होता है खीरा, उसे पूरा छील के उसमें फ्रेश कर्ड मिला के भी क्लिनजर बना सकते हैं। वो भी ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन पर एक्ने और पिंपल्स की दाग है तो आप वो क्लिनजर यूज़ कर सकते हैं। हाथों से लगाने का फ़ायदा ये है कि हम अच्छे से हमारे फेस के सभी कोनों पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। कई बार कॉटन में भी काफ़ी कुछ लिक्विड अंदर रह जाता है। अब मैं इसे 5 मिनट तक रहने दूंगी अपने फेस पर, उसके बाद मैं अपना फेस नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर दूंगी। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर लिया है और क्लिनजर के बाद बारी आती है टोनर की। मैं टोनर हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाइड करता है, पोर्स को श्रिंक कर देता है, स्किन में कसाव लाता है मतलब टाइट हो जाती है स्किन। और टोनर के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ सिर्फ प्लेन रोज़ वाटर। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। रोज़ वाटर नेचुरल टोनर है, उसमें विटामिन सी भी है अच्छी मात्रा में, तो वो हमारी स्किन को टाइट करने में बेनिफिट करता है और स्किन को ग्लो करता है, सॉफ्ट करता है। तो रोज़ वाटर बाउल में ले, तो यहाँ मैं ये रोज़ वाटर ले रही हूँ और इसे मैं डायरेक्ट अपने हाथों में लेकर ही अपने फेस पर मैं अप्लाई कर दूँगी। आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से लेनी है और मैं अपने दोनों हाथों में इस तरह से लेकर इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर दूँगी। इसका एक बेनिफिट ये है कि इसकी जो एरोमा है वो भी आपके मूड को अच्छा कर देता है। इसकी खुशबू से आप फ्रेश फील करते हैं। इस तरह से मैं पूरे फेस पर
इसे अप्लाई कर दूँगी और इसे 2-3 मिनट जब तक ये एब्जॉर्ब हो ही जाता है, इसे ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लगता भी नहीं कि फेस पर भी लगाया हुआ है। देखिए मेरे हाथ अभी भी गीले हैं रोज़ वाटर की वजह से, और नाइस स्मेल भी आ रही है। आप चाहे तो फ्रेश रोज पेटल और एलोवेरा जेल को भी मिक्स कर एक अच्छा सा फ्रेश टोटल बना सकते हैं। तो अब मैं 2-3 मिनट के बाद इस पे मेरे फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है टोनर लगाने के बाद। और टोनर के बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र में मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मल ग्रीन आता है वो। आप चाहें तो केसर और चंदन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दोनों हैं, मैं दोनों अल्टरनेटिव यूज़ करती हूँ। तो मैं आज ग्रीन एलोवेरा जेल है उसे मैं यूज़ करूँगी। मॉइस्चराइज़र के फ़ायदे ये हैं कि वो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन में रिंकल्स को आने से रोकता है, और हमारी स्किन को टाइटन रखने में हेल्प करता है। तो अब मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ एलोवेरा जेल। तो यहाँ मैं ये पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप चाहें तो पतंजलि के एलोवेरा जेल में गेहूं का आटा भी मिलाकर उसका एक मॉइस्चराइज़र पैक जैसा बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। इतनी ही अमाउंट में मैं लूँगी और इसे अपने पूरे फेस पर मैं अप्लाई कर लूँगी। आप इसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें विटामिन ई की जो कैप्सूल आती है वो भी इसमें एक कैप्सूल इसमें डाल सकते हैं। और आप इसे एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद इसे अपने फेस पर रहने दूँगी और मैं फेस इसके बाद मैं अपना फेस में वॉश नहीं करती हूँ, इसे अपने फेस पर एज इट इज़ मैं रहने देती हूँ। और अगर आप वॉश करना चाहते हैं तो 5 या 7 मिनट के बाद अपने फेस को नॉर्मल टैप वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, पास में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।